जिस युद्ध को पूरी दुनिया रोकने का प्रयास कर रही है वो युद्ध और खतरनाक होता जा रहा है। युद्ध किसी भी हाल में रुकता नहीं दिखाई दे रहा है। रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का असर रूस पर भले ही हो रहा हो लेकिन पुतिन युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। हालांकि इस युद्ध में भारत ने अपना साफ रुख अपनाया है। भारत किसी भी देश की मदद न करते हुए युद्ध को बाद के जरिए खत्म करने की बात कह रहा है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का दौरा करके एक तीर से कई शिकार करने में सफलता हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच सटीक संतुलन बनाकर भारत को न केवल बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाया है बल्कि अपने दुश्मन चीन पर भी करारी चोट करने की तैयारी की है। भारत हमेशा समय पर अपने दुश्मन को जवाब देता है। भारत ने यह रुख तब अपनाया है जब रूस का साथ देने के लिए अमेरिका लगातार भारत को धमकाता आया है, लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका की धमकियों पर करारा जवाब देते हुए अपना रुख कायम रखा। भारत के पूर्व राजनयिक एमके भद्र कुमार का कहना है कि पीएम मोदी ने महंगे हो रहे गैस और तेल पर रूस के साथ सस्ते दर पर ऊर्जा समझौता करके मोदी ने भारत को आर्थिक फायदा पहुंचाया है। जंग में यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार को लेकर बड़ी होड़ चल रही है। यूरोप ऊर्जा के मामले में रूस से अपनी निर्भरता कम कर रहा है, हालांकि रूस भी यूरोप पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए रूस अब पूर्व की ओर देखो की नीति अपना रहा है और इसकी नजर एशियाई ऊर्जा व्यापार पर है। अब रूस भारत और चीन के साथ भारी बचत के साथ व्यापार कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत को रूस से गैस खरीदने पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ये बात साफ कह दिया है कि यूरोप की ओर से खरीदी जा रही ऊर्जा से बहुत ही कम है। यही नहीं, अब भारत चाहता कि अगर वो रूस से खरीद को कम करता है तो उसके बदले पश्चिमी देश भी उसे कुछ दें। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच यूरोपीय देशों का दौरा करके उन्हें साधने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत की तरह चीन भी रूस यूक्रेन युद्ध में किसी का भी समर्थन नहीं किया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन यूरोप से चीनी ड्रैगन को भी भारी झटका लगा है। अब इन सभी बातों के बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि भारत को रूस से सस्ता तेल लेने के बजाय यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का साथ देना चाहिए। वहीं पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में चीन संतुलित रवैया अपनाए। एमके भद्र कुमार का कहना है कि भारत को रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ और अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का तोड़ निकालकर व्यापार के मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। तो कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी।